नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम दिन तुम्हारे हर के नाम दिन झूठे सगल पासारे नाम तेरो पुरखा नाम तेरा के सरो ले चितारे नाम तेरा के सरो नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम दिन झूठे सगल पासारे तेरो चंदनो रस जपे नाम ले तुझे पहुँचारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम दिन झूठे सगल पासारे मुरारे हर के नाम दिन झूठे सगल पासारे दिन झूठे सगल पासारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरो आरती झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती नाम तेरे की जोत लगाए ने झूठे सगल पसारे आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 545 जयंती पर हम यहाँ पर उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस बस्ती में और पूरे पुंछ नगर में आज के दिन भगत रविदास जी का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ कि जब हमारे भारत की स्थिति बहुत बहुत ही भयानक थी और ये संत जब ये इस धरती पे आए और इन्होंने इस देश के लोगों को एक अच्छे संदेश दे के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और लोगों को हिम्मत और हौसला दिया ताकि वो आगे बढ़ के इस समाज की और पूरे भारत की जो है वो सेवा कर सके। संत रविदास जी के बहुत किस्से कहानियां हैं जो कि यहाँ मीडिया में इतने जल्दी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। संत रविदास जी हमारे समाज के लिए और पूरे भारत के लिए एक मार्गदर्शक थे और आज अगर हमारी जो जनरेशन है हमारा समाज है उनके दिए हुए विचारों पे उनके कहे हुए विचारों पे अगर चलेगा मैं समझता हूँ समाज से जो त्रुटियाँ हैं जो कमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और हम सब एक बिल्कुल
एक खुशहाली का जीवन जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर भगत रविदास जी के दिए हुए जो हमें मार्गदर्शन हैं या उनकी वाणी है, उनके विचार हैं, हम सबको उन पे चलने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूज्य श्री रविदास जी की 645 जन्मतिथि पर जहाँ पे वार्ड नंबर 4 पे एक लंगर का आयोजन किया गया है, तो इस अवसर पर हम सभी पूरे देशवासियों को और पुंछ के पूरे डिस्ट्रिक्ट को और पर्टिकुलरली हम ये हमारे जहाँ भी जितने भी भाई बहन जहाँ पे मौजूद हैं, तो इस रविदास जयंती पर सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व मुबारकबाद पेश करता हूं। और गुरु रविदास जी ने कर्म फिलॉसफी पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता है, वो कर्म से ऊंचा या नीचा होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि अपने कर्म जो हैं वो अच्छे कर्म करने चाहिए और वननेस जो है कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी इंसान एक जैसे हैं। और अपने कर्म पर उन्होंने हर एक इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और उनके एक बहुत ही मशहूर वाक्य है कि मन चंगा कठौती में गंगा, के कहने का मतलब है कि अगर इंसान का मन जो है पवित्र है और अगर वो आदमी या कोई भी इंसान जो है अपने कर्म के अनुसार, अपने अच्छे धर्म के अनुसार अपना कर्म में करते भगवान में लीन रहता है, तो उससे बड़ा तीर्थ स्थान उसके लिए कोई नहीं है।